हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज सुबह से आप ये नहीं कह सकते हो कि मैम ये तीसरी बार या चौथी बार मुलाकात हो रही है, क्योंकि आज सैटरडे के दिन पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास शेड्यूल किया गया था, और वो स्पेशल क्लास आपका पॉलिटी से था। जैसे कि आप लोगों ने डिमांड करी थी कि मैम पॉलिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्ट से हो, किसी भी शेड्यूल के अंदर हो, हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक बार से जरा लिंक को कॉपी करो और फटाक से यार इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सब लोग आना शुरू हो चुके हैं। मौसम, दीपांशु, यूनिक, सुनंदा, तन्मय, सोहानी, काजल, पूनम, बंगाली, शिवानी, दीपांशु, जगदीप, विनय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। रामवीर जी, रितेश, संदीप, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या है, एक बार से लिंक को कॉपी करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मैं भी एक बार से शेयर कर दूं, ताकि अब ग्रुप पे मुझे कोई मैसेज ना करे। जब तक क्लास चल रहा है तब तक कोई मैसेज नहीं चाहिए मुझे। देखो होता क्या है ना, जब यहाँ पे कोई चीज़ चल रही होती है और बीच में जब आप लोग मैसेज कर देते हो, जैसे कि अलग से इंडिविजुअल मैसेज भी करते हो, तो दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन उधर चला जाता है, क्योंकि कमेंट जो होते हैं हम लोग फोन में ही देख रहे होते हैं। आप जरा एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, इस पर्टिकुलर क्लास में जितने भी आर्टिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। एक स्टेटमेंट बना होगा, उस पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, और चारों के चारों किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, बस भगवान का नाम ले लीजिएगा कि नेट बंद ना हो, क्योंकि आपको पता है कि नेट कभी भी धोखा दे सकता है। हम लोग जितने आर्टिकल्स हैं सारे के सारे इस पर्टिकुलर सेशन में पढ़ लेंगे, ठीक है। सब आगे भाई, गुड मॉर्निंग। स्वीटी, अंजलि, सोहानी, हैप्पी, एचपी, दीपेश, किरण, विनोद, धीरू, दीपक, धनंजय, छोटू, प्रजापति, विनय, विभूति, ओके, प्यार का पौधा, सुबह ये नाम लेना भूल गए थे, थैंक्स टू ऑल। चलिए अच्छा, सेशन की शुरुआत करी जाए ना फिर, ऑल सेट। हाँ, एक चीज़ और बता दें, अब कोई ये मत बोलना कि मैम ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ा चुके हो। देखो ये पूरा का पूरा कंबाइंड सेशन है, यानी कि हो सकता है मैंने कभी आपको ये आर्टिकल पढ़ाया हो, या हो सकता है मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको कभी पढ़ाया हो, लेकिन अगर सारी चीज़ें एक जगह पे आ रही हैं तो मे भी जो सवाल होगा वो सवाल आपका रिपीटेड हो सकता है, उसमें टेंशन मत लेना, क्योंकि हमें यहाँ पे सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो सारे आर्टिकल कैसे याद होंगे वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो शुरू किया जाए ना, सब आ गए। चलो अच्छा, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, बहुत अच्छे से आराम से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, आपका स्टेट लेवल एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, एनी एग्जाम। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सवाल पढ़ो, आंसर करो, उसके बाद हम ये सारे आर्टिकल समझाते हैं। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो इसका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू मुकेश, अगर ये उम्मीद कर रहे हो तो मेरी भी यही उम्मीदें हैं कि सेशन जो है बिल्कुल सही से चलता रहे। पहला यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे आर्टिकल नंबर वन के बारे में, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आर्टिकल नंबर वन को बताता है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, इंडिया एज यूनियन ऑफ द स्टेट। अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पे सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे। देखो जब हम पार्ट नंबर वन की बात करते हैं, भाग एक की बात करेंगे, तो पार्ट नंबर वन में आपको चार आर्टिकल मिलते हैं, आर्टिकल वन, टू, थ्री एंड फोर। आर्टिकल नंबर वन ये कहता है कि इंडिया जो है, जो हमारा भारत है, वो क्या है, राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट, ये बात बोली जाती है। इसी आर्टिकल के अंदर अगर देखा जाएगा तो इसमें एक और शब्द बोला जाता है, वो क्या है, फेडरल है। जब हम यहाँ पे फेडरल बोलते हैं तो आपको यहाँ से एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारा जो देश है, ये कभी कभी आपको फेडरल देखने को मिलता है और कभी कभी आपको यूनिटरी के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है जब सेंटर अपनी पावर्स को अलग अलग स्टेट के बीच में डिवाइड कर देती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फेडरल बोला जाता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सपोज करो इमरजेंसी लग गई, ठीक है, अगर मान लो इमरजेंसी लग जाती है तो इमरजेंसी के केस में क्या होगा, जितने भी राज्यों के पास पावर होती है वो सारी की सारी राष्ट्रपति के पास चली जाती है ना, यानी कि सारी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ गई, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है यूनिटरी। इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, ये कैसा है, क्वासी फेडरल है। कैसा हो जाएगा, ये क्वासी फेडरल हो जाएगा। तो ये बात बोली गई है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर वन में, कि इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। बहुत अच्छी बात है, आर्टिकल वन ये हो गया, ठीक है। यह सेशन को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कहने पे ये मैंने क्लास शेड्यूल किया था, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि यहाँ पे आधे लोग आए और फिर आधे आके बोले मैम क्लास कब हुआ था, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। अब देखो आर्टिकल नंबर टू क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर टू में लिखा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, यानी कि किसी एक नए राज्य को बनाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई
राज्य बना हुआ है तो उसके हिस्से करके एक नया राज्य बनाना, ऐसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आजकल हम लोग को सुनने में आ रहा है ना कि एक नया कॉन्टिनेंट देखा गया, राइट? यही तो हो रहा है ना कि आजकल ज़ीलैंडिया करके एक नाम आया है और ये क्या है, एक नया कॉन्टिनेंट माना जा रहा है कि एक नया द्वीप बना है। अब सपोज करो कि ये जो नया द्वीप है, सपोज करो ये यूएसए ने हड़प लिया, ठीक है, मान लो ये यूएसए ने हड़प लिया और इस हिस्से को इंडिया को गिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये बाहर का कोई एरिया था ना जो इंडिया को मिला। तो अगर बाहर का कोई भी एरिया, अगर कोई भी कंट्री इंडिया को गिफ्ट करता है या फिर इंडिया के हिस्से में आता है, तो उसके लिए यहाँ पे जो आर्टिकल लगेगा वो होगा आर्टिकल नंबर 2, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 3, इसमें क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेशन ऑफ द एरिया और द बाउंड्रीज। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लो आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश है, पूरा एक स्टेट था, लेकिन आपने देखा कि इसके दो हिस्से कर दिए गए और इसमें जो दूसरा स्टेट बनाया गया वो कौन सा हो गया, तेलंगाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री थी वही तो चेंज करी गई। तो अगर कोई नया राज्य जुड़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 2 होगा। अगर किसी राज्य के हिस्से करके नया राज्य बनाया जा रहा है तो आर्टिकल नंबर 3 हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। भैया समझ आया कि नहीं? जतिन एक बार समझ लो, मैंने ये आर्टिकल आपको समझाया तो है। और इसके बाद एक और आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 4। उसमें क्या बोला जाता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें कहा जाता है कि जो भी बातें आपके आर्टिकल नंबर 2 में कही गई या फिर जो भी बातें आपके आर्टिकल नंबर 3 के अंदर कही गई, इनमें अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो उसको संविधान के अंदर संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही छोटा सा यहाँ पे गैप है, इसके चक्कर में कई बार आंसर गलत हो जाता है। तो बी प्रिपेयर्ड, आर्टिकल नंबर 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया, यानी कि पार्ट नंबर 1 जो है ये हो गया आपका खत्म। बात समझ में आई? बस ऐसे ही आपको याद करना, ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट आपको अपने नोट्स बनाने हैं क्लास खत्म होने के बाद। और हाँ ये बता दें, क्लास जो है वो 12 बजे तक है, 1 घंटे का क्लास नहीं है। आज जस्ट लाइक अ मैराथन है, जितने आर्टिकल्स हैं सारे खत्म होंगे। ओके, कौन सा वाला फिर से रिपीट करना है बताओ, कौन सा फॉर्म भरे? अरे बच्चा यहाँ पे फॉर्म वॉर्म पूछने मत आओ, अभी आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ो। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको, हाँ या ना, जल्दी बताओ। सचिन करें, समझ गया ना? अरे अभी तो क्लास शुरू हुआ है, पहले ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के बारे में, ठीक है। सारे पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके सारे आर्टिकल आपके लिए रखे हैं ताकि इजीली आपको याद भी हो जाएगा और इजीली आपको समझ में भी आता जाएगा। देखो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 की बात आई है, ठीक। अब आपको ये चीज पता है, भाग नंबर 2 जो है या फिर पार्ट नंबर 2 जो है, इसमें क्या है, नागरिकता है, सिटीजनशिप है, ठीक। अब जब हम सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, सपोज करो कि माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पाकिस्तान के अंदर रहता है लेकिन वो माइग्रेट करके इंडिया में आ गया और वो भारत की नागरिकता चाहता है, तो कौन सा वाला आर्टिकल लगेगा ये बताओ। आज सारे आर्टिकल खत्म हो जाएंगे, भले ही 1 बज जाए लेकिन आज सारे आर्टिकल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग शुरुआत करते जा रहे हैं। ओके चलो, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 6। अब जरा सारे आर्टिकल हम एक बार से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज, जब हम नागरिकता बोलते हैं तो अभी आपने देख रहा कि नागरिकता के अंदर एक संशोधन किया गया, ठीक है ना, 2019 में ये जो बिल है इसके अंदर चेंजेस किए गए। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक नया जो प्रोविजन आया है उसमें कहा गया है कि 3 देश, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देशों के लिए बोला गया है कि अगर यहाँ से कोई भी माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में कौन रखे गए, 6 लोग, कौन कौन हो जाएंगे, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध और जैन, अगर इन 6 में से कोई भी भारत के अंदर आता है और अगर उसको भारत की नागरिकता चाहिए तो उसको भारत के अंदर कितने सालों तक रहना पड़ेगा, 5 सालों तक रहना पड़ेगा। लेकिन इसी वाले बिल के अंदर एक चीज और कही गई थी, देखो अब तो ये कानून बन ही गया है ना, इसमें एक चीज और बोली गई थी, वो चीज क्या थी, वो पॉइंट क्या था, इसमें ये बात बोली गई थी कि अगर सपोज करो मुस्लिम कम्युनिटी, देखो इसके अंदर देखो कहीं पे भी मुस्लिम शब्द नहीं आया ना, तो इसमें बोला गया कि अगर कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी है जो इन 3 देशों से आती है भारत में और अगर उनको चाहिए है भारत की नागरिकता तो उनको वही पुराना वाला प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा, मतलब 11 साल तक रहना पड़ेगा, ठीक है। ये था इस वाले जो नया वाला आया था उसमें। अब आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये वाला आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है इसमें, सुनिएगा समझिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, देखो गुड मॉर्निंग तो होता जा रहा है लेकिन एक बार से सेशन को प्लीज शेयर जरूर करते जाइएगा, जरूरी होता है, क्योंकि जब तक तुम लोग शेयर नहीं करोगे लोग यहाँ जुड़ेंगे नहीं और फिर बाद में आके कहेंगे मैम क्लास कहाँ था, ये चीज नहीं चाहिए, बिल्कुल ये चीज नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा,
आप शुरुआत कर ही जाना, आगे बताएं इसके बारे में। ओके देखो, अब इसमें क्या बोला जाता है, इसमें कहा गया है कि अगर सपोज करिए कि नागरिकता का जो बिल होता है या फिर नागरिकता से जुड़ा हुआ अगर कोई भी संविधान में संशोधन करना है, अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो वो अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, पार्लियामेंट ही इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अंडर कौन करेगा? आर्टिकल नंबर 11। और कौन करेगा इसको? पार्लियामेंट करेगी। अब अगर सपोज करो आपसे पूछा गया कि ये जो नागरिकता है यानी कि जो सिटीजनशिप है, इसके लिए कानून सबसे पहली बार कब आया था, तो आंसर हो जाएगा 1955 में सबसे पहली बार इसके ऊपर कानून निकाला गया था। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल ये आता है कि अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए, है ना, तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन, यानी कि आपके पास जो नागरिकता होगी या तो वो जन्मों जन्मों से चली आ रही है, मतलब आपके दादा परदादा ये सब जो लोग हैं ये पहले से भारत में रहते हैं, या फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है, तो अगर जो अभी नया वाला कानून है उसके हिसाब से बता रहे हैं, अगर सपोज करो कि कोई भी माइनॉरिटी है जो इन तीनों देशों से आया है यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, तो उनको 5 साल रहना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर किसी भी कंट्री से आया हो और वो अगर मुस्लिम भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको कितने साल तक रहना पड़ेगा भैया? 11 साल तक भारत के अंदर रहना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे आ जाता है, पार्ट नंबर 3। ठीक है, कौन सा आ गया? पार्ट नंबर 3, यानी कि हम बात करेंगे अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। बहुत सही, 11 बजे वाली क्लास होगी बेटा, वही तो चल रही है, क्लास का टाइम यार 10:30 कर दिया, 11 बजे कहां से क्लास हो जाएगी? क्या चाहते क्या हो तुम लोग? चलो चलो जल्दी से आंसर करो। हाँ भैया, तुम ही लोग यार सेशन को शेयर मारोगे कि नहीं, और लाइक वाइक करने का सोचे हो कि नहीं सोचे हो? आज देखो आर्टिकल नंबर 12 के ऊपर यहाँ सवाल पूछा गया, आर्टिकल नंबर 12 में क्या चीज आती है ये आपको बताना है। तो पहली चीज तो ये बता दें कि आर्टिकल नंबर 12 किससे जुड़ा हुआ है? पार्ट नंबर 3 से, यानी कि फंडामेंटल राइट। नोट्स कैसे बनाने होते हैं ध्यान से सीख लो एक बार। ऐसे लिखा FR, FR का मतलब यहाँ पे फन रिपब्लिक मॉल नहीं है जो लखनऊ के अंदर गोमती नगर में, ये वो वाला नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। कहाँ से लिया गया है आर्टिकल नंबर? क्या इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं? बिल्कुल, इसका मतलब दे आर नॉट एब्सोल्यूट। इनका गार्जियन किसको बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। और इसके साथ में फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसमें कितने आर्टिकल हैं ये सब तो बता दिया, क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं? बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा कौन? तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ऐसे सर्कल मारो, जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सारे के सारे लिख डालो, कहानी सेट है यार, इतना ही तो करना है, इससे ज्यादा थोड़ी ना कुछ है। बताओ आर्टिकल नंबर 12 यहाँ पे किसके बारे में बात करेगा? यानी कि ये बात कर रहा है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यही बोलोगे ना? कह दो हाँ, कह दो हाँ, बोल दो हाँ, बोल दो तुम लोग। चलो अच्छा, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर होगा यहाँ पे स्टेट। तो अगर हम आपसे पूछते हैं इसके बारे में कि स्टेट का क्या मतलब है, तो स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है वो हम आपको बता दें। देखो जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं स्टेट, तो दैट मींस ये स्टेट वो स्टेट नहीं है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये हो गया, ये स्टेट वो नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब हुआ कोई भी ऐसा एम्प्लॉय, ध्यान से समझना, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो सेंट्रल लेवल के लिए काम करता है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो स्टेट लेवल के लिए काम करता है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो LIC वगैरह इस तरीके की जगह पर काम करता है, तो इन सब लोगों को मिला के क्या बोला जाएगा? राज्य का नाम दिया जाता है, स्टेट का नाम दिया जाता है। क्या काम क्या है, करेंगे क्या, तो समझिएगा इसको। यहाँ पे जब हम इनके काम की बात करते हैं तो इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता है क्या? इन्हीं लोगों के द्वारा क्या बनाया जाता है? सिंपल सी बात है कि इनके द्वारा बनाया जाता है कानून, लॉ फ्रेम किया जाता है। और ये जो लॉ फ्रेम किया जाता है, इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है, अगर कोई भी यहाँ पे ऐसा कानून बना जो किसी भी पर्सन को, फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट करता है, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा। और ये बात कही गई है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 13 के अंदर। तो दोनों आर्टिकल याद रखना, 12 में क्या है? स्टेट की डेफिनेशन है। 13 में क्या बोला जाएगा कि 12 के हिसाब से, यानी कि 12 के अंदर जो लोग आते हैं, अगर वो कोई भी कानून बनाते हैं और वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ये बात बोली गई है किसमें? आर्टिकल नंबर 13 के अंदर। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी बोलते जाया करो, सो जाते हो क्या तुम लोग? चलो ओके ठीक है, यहाँ पे बता ही लिया है तुम लोगों ने। अच्छा अब इसके बाद अगर देखा जाए, ठीक ठीक ठीक, देखो अगला सवाल क्या है? राइट टू इक्वालिटी। अभी हम फंडामेंटल राइट्स पे ही चल रहे हैं, अभी मैंने पार्ट नहीं चेंज किया है।
अब देखो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला जो होता है वो क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी होता है, यानी कि समानता का अधिकार होता है। अब पूछा जा रहा है कि समानता का जो अधिकार है वो इनमें से कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक होता है, ये आंसर करो। बोलो आरटीआई वार्टीआई बता दिए हो तुम लोग। हाँ भैया लाइव ही क्लास है, अब क्या चाहते हो तुम लोग यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। देखो ध्यान रखना, समझ लेना इस चीज को। जब मैंने बोला यहाँ पे टाइप्स है ना, तो पहले इसमें टोटल कितने टाइप हुआ करते थे, 7 थे। सातवां वाला कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। पहले ये दिया गया था आर्टिकल नंबर 31 के एक पार्ट में, लेकिन अब जब से इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है, तो ये आ गया है कौन से आर्टिकल में, 300A के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है चलो, अच्छा ये बात हो गई। अब जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं इनके बारे में, तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स भी हैं, वो भी डिस्कस कर लें। देखो आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, आज सुबह ही मैंने आपको एक कमेटी का नाम बताया था, अगर आपको याद आ रहा हूं सॉरी आज सुबह मैंने आपको एक कमेटी का नाम बताया था, रोहिणी कमेटी, कुछ याद आया? मैंने कहा था ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन के लिए या फिर सब कैटेगरी बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, रोहिणी कमेटी इसका नाम है। ठीक है, अब देखो रिजर्वेशन टर्म आया था ना, अब हम बात करेंगे कि रिजर्वेशन शब्द जो है वो यहाँ पे कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट तो हर एक चीज जो है वो तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, है ना। तो फिर रिजर्वेशन कहाँ से आ गया, आरक्षण कहाँ से आ गया, कोई भी दिल पे मत लेना इस स्टेटमेंट को प्लीज। ठीक है, अब देखो समझना, आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति जो है वो कैसा होगा, समान होगा, बराबर होगा। बट कंडीशन अप्लाइड, बट कंडीशन अप्लाइड, क्या कंडीशन अप्लाइड होती है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, ये एक ऐसा सेक्शन हो जाता है कि अगर सपोज करो ये लोग अपने कार्यकाल में हैं, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का अभी टेन्योर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस का भी अभी अगर टेन्योर चल रहा है, तो इनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं करी जाएगी। ये लिखा हुआ है किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर नहीं लिखा है, इसके लिए अलग से एक आर्टिकल बना है, दैट इज आर्टिकल नंबर 361 का पार्ट नंबर ए। बात समझ आई, आर्टिकल नंबर 14 में तो ये बोला गया, बिल्कुल सही बात है, इसी के अंदर आपका रूल ऑफ लॉ भी आ जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें जो एक्सेप्शन है वो कहां दिया गया है, आर्टिकल नंबर 361A के अंदर ये चीज मेंशन करी गई है। बात समझ रहे हो यहां पर, ओके चलो अच्छा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगला है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 15। अब आर्टिकल नंबर 15 की जब हम बात कर रहे हैं तो जरा समझिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इस आर्टिकल में बोला गया है कि इन 5 आधारों के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ। बट आपको पता है इंडिया के अंदर ये जो प्रोविजन है, देखो बिल्कुल भी दिल पे मत लेना, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी इज ऑल अबाउट दी प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है, पॉलिटी वो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, तो आपको भी पता है कि इन सारी चीजों के ऊपर हमारे देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, बट फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है धर्म के आधार पर, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या बर्थ प्लेस के बेसिस पे किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कंडीशन अप्लाइड। और यहीं पर आ जाता है रिजर्वेशन, क्या आ जाता है, यहीं पर आ जाता है रिजर्वेशन। क्या है रिजर्वेशन इस वाले आर्टिकल में, ध्यान से समझना, देखो सारे प्रोविजन बताते जा रहे हैं ताकि बाद में अगर आपका कभी भी एग्जाम में कैसा भी सवाल फंसे तो वो गलत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो रिजर्वेशन आता है वो ये कहा जाता है कि जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कोई भी कानून बना सकती है बच्चों के लिए भी, ठीक है, किसके लिए, बच्चों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, एससी के लिए भी और एसटी के लिए भी। यानी कि ये जो रिजर्वेशन का पूरा प्रोसेस है ये आप देख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 15 के अंदर दिया गया। बट कंडीशन अप्लाइड, अगेन अ कंडीशन अप्लाइड, ये आपका सोशियो लेवल पर होता है, मतलब समाज में बराबर दर्जा देने के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी आरक्षण करना चाहती है तो बच्चों के लिए आरक्षण किया जा सकता है, महिलाओं के लिए किया जा सकता है, एससी के लिए हो सकता है और एसटी के लिए भी रिजर्वेशन राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 15 में ये बात बोली गई है। बात समझे, ओके, फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग, भैया जो पहली बार आए हो एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है चलो, अब देखते हैं अगला आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब हुआ, देखो जब भी कोई फॉर्म आता है ना, जब भी किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म आता है तो हर कोई जाता है उस फॉर्म को भरने के लिए, राइट।
हर कोई उस फॉर्म को भरने जाता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, राइट। उसमें क्या होता है, लिखा होता है एससी एसटी ओबीसी, और आजकल ट्रांसजेंडर भी ऐड हो गया है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हर एक व्यक्ति के पास पूरा अधिकार होता है कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगेन कंडीशन अप्लाइड, देखो फिर से यहाँ पे कंडीशन है, और ये कंडीशन फिर से वही आ जाती है, रिजर्वेशन। अब आपको ये चीज पता है कि जब हम यहाँ पे जॉब्स की बात करते हैं तो जॉब्स में रिजर्वेशन होता है, राइट, सबको पता है। या देखो फिर से बोल रहे हैं, बिल्कुल भी दिल पे मत लेना, कोई भी ऐसी बात मत बोलना जो किसी को बुरी लगे। यहाँ पे भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है। यहाँ कहा जाता है कि एससी और एसटी जो है उनके लिए रिजर्वेशन किया जाएगा। सिंपल सी बात है, इनके लिए रिजर्वेशन क्यों किया गया? इनके लिए रिजर्वेशन दो चीजों के बेसिस पे किया गया। मैंने सुबह के क्लास में भी 7 बजे आपको बताया था क्या था यहाँ पर। देखो रीजन क्या था, सोशियो यानी कि समाज में अगर कोई बहुत ही ज्यादा पिछड़ा वर्ग है तो उसको बराबर का अधिकार देना है। दूसरा बोला गया एजुकेशन के बेसिस पे, यानी कि अगर कोई एक ऐसा वर्ग है जो बिल्कुल शिक्षा में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, मतलब उसके पास नॉलेज है ही नहीं, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ प्रोविजंस बनाए गए। तो ये आ जाएगा किसमें, आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसका अपना एक अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या है, एक अलग क्राइटेरिया है। चलो अच्छा, अब चलते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है। कल कोई ग्रुप पे पूछ भी रहा था कि मैम ये अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो मैंने उसको कल यही बोला था, बेटा क्लास में आना, क्लास में बताएंगे। तो देखो, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये अनटचेबिलिटी छुआछूत की कोई बीमारी नहीं है यहाँ पे, कि हमने बोल दिया अनटचेबिलिटी मतलब उससे दूर रहना है। कोई ये छुईमुई वाला पेड़ नहीं है कि आपको उससे दूर रहना है। अनटचेबिलिटी का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़े होंगे, उसके बाद आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग क्लासेस में लोगों को डिवाइड किया जाता था उनके काम के आधार पर, यही तो होता था। सेम चीज यहाँ पे बोली गई है कि अगर आप सोसाइटी में इक्वालिटी चाहते हैं, अगर आप समाज में हर एक व्यक्ति को बराबर का अधिकार देना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इस चीज को खत्म करना होगा। यानी कि क्लासेस में जो डिवीजन किया जाता है, आपको पूरी तरीके से भारत में इस चीज को खत्म करना होगा, तभी हर एक व्यक्ति जो है वो समाज के अंदर बराबर होगा। तो ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18 में क्या बोला जाता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। काय का टाइटल भैया, तो टाइटल का मतलब हो गया उपाधि, काय की उपाधि। तो देखो यहाँ पे समझिएगा इस पॉइंट को, अरे यार आप चलो पढ़ लो, कोरोना के बारे में कोई बात नहीं, कोरोना इज कोरोना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, टाइटल्स, टाइटल्स का मतलब ये हो गया उपाधियां। जैसे कि आपने देखा होगा राजा राम मोहन रॉय, ये क्या है, एक टाइटल है ना, वो एक उपाधि है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगेन समाज में अगर आपको बराबरी चाहिए, सोसाइटी में अगर आपको इक्वालिटी चाहिए, तो लोगों को अलग अलग टाइटल दे के उनका जो पद है, उनकी जो पोस्ट है, उसको और भी ज्यादा ऊंचा दिखाने की जरूरत नहीं है। सपोज करो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मिला यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड। अब अगर सचिन तेंदुलकर अपने नाम के आगे लिखना शुरू कर दें भारत रत्न अवार्डी सचिन तेंदुलकर, तो एक तो वैसे ही हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अब अगर वो इतना लंबा नाम अपना लिखेंगे और आगे उसके अगर ये लिख देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो तो उनकी जो पोस्ट है वो तो और भी ज्यादा ऊपर हो गई, हम लोग तो ऑलरेडी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही बोला जाता है कि जो टाइटल्स वगैरह हैं इनको एबॉलिश करना चाहिए, ऐसा कोई भी टाइटल हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए, जिससे यहाँ पे समाज में बराबर का हिस्सा जो है वो लोगों को ना दिया जा सके। आप सुनना यहाँ पे, स्टेट लेवल वाले जितने बच्चे हैं यहाँ पे, जितने स्टूडेंट्स हैं, अच्छी तरीके से समझ लेना। एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक के जितने भी आर्टिकल दिए गए, ये सारे के सारे सोशल और इकोनॉमी के बेसिस पे इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो अच्छा आगे चलते हैं। एग्जैक्टली अकबर 2 ने दिया था सना, बिल्कुल करेक्ट। यार सेशन को प्लीज एक बार से शेयर करते जाना। श्रद्धा, मैंने बेटा आर्टिकल नंबर 16 में ये बोला कि जॉब्स वगैरह जो होती हैं उसमें सबको इक्वालिटी दी जाती है, कि हर कोई पर्सन जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज और बोली जाती है कि अगर स्टेट चाहता है तो किसी के लिए भी रिजर्वेशन कर सकता है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, या फिर वो किसी विमेन के लिए भी रिजर्वेशन कर सकता है। ये बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 16 के अंदर, ठीक है। चलिए अच्छा अगला आर्टिकल, चलो बताओ भैया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, मुझे बताने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। ये देखो यहाँ पर फिर वही बात आ गई, पीडीएफ मिलेगा बेटा, पढ़ तो लो, पीडीएफ तो बात की बात है, पीडीएफ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करो, इसका आंसर क्या बनेगा, पीडीएफ पीडीएफ बाद में, पहले इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा।
देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल है, आर्टिकल नंबर 21A। अब हम लोग सारे आर्टिकल यहाँ से समझ लेते हैं। देखो पहला लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 18, 20, 21A। इसमें से जो आपसे आर्टिकल पूछे जाते हैं या तो वो 19 पूछा जाता है या फिर 21A पूछा जाता है। अब जरा समझना है इस चीज़ को अच्छी तरीके से। ये तुम लोग के मतलब का आर्टिकल है, मतलब वो ऐसे वाला होता है ना जो हम लोग के घर पे, जो हम लोग के पेरेंट्स वगैरह कहते हैं कि मान लो मम्मी ने बोला बेटा जरा ये काम कर देना, बेटा जरा मार्केट तक चले जाना, इतना काम कर लो, फिर हम लोग क्या कहते हैं, हाँ मैं नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे दूसरा काम कर रहा हूँ और ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, ऐसे बोल देते ना कई बार हम लोग। तो जरा समझिएगा आर्टिकल नंबर 19 में क्या क्या बातें कही गई। आर्टिकल नंबर 19 में कहा गया कि आप किसी भी तरीके का कोई संगठन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, बट विदाउट आर्म्स होना चाहिए, कोई भी हथियार आप कैरी नहीं कर सकते। दूसरा बोला गया कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। तीसरा बोला गया कि आप कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, कहीं पे भी आप रिसाइड कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अब तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी जो प्रोविजन था ना कि आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जाके रह नहीं सकते थे, तो ये प्रोविजन भी अब हट चुका है। अगला बोला जाता है कि आप कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकते हैं, जहां पे भी आपकी इच्छा हो, जहां पे भी आपकी श्रद्धा हो, बट इट्स नॉट आवर श्रद्धा कपूर। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा कि आप कहीं पे भी ट्रैवल भी कर सकते हो, कहीं पर भी आ जा भी सकते हो। ठीक है, अब समझना, अब पॉइंट समझना, कहानी अब यहीं से शुरू होगी। अब ये जो कहानी शुरू हुई है कि हमने तो बोल दिया इतने सारे राइट आर्टिकल नंबर 19 के अंदर, तो बेटा फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कभी भी अगर जरूरत पड़ी तो इनको यहाँ पे एबॉलिश किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो ध्यान रखिएगा इमरजेंसी के केस में क्या होता है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहला आर्टिकल होता है जो यहाँ पर क्या होता है, आपसे छीन लिया जाता है। ध्यान रखिएगा कभी भी यहाँ पे ऐसा मत बोल देना घर के अंदर कि मैं नहीं जा रहा काम करने, वरना फिर मम्मी जो है ना अच्छी तरीके से तुमको बताएंगी कि क्या होता है तुम्हारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये चीजें घर पे कभी ट्राई मत करना, जितने आर्टिकल पढ़ा रहे कभी भी घर पे इसको ट्राई मत करना, बस इतनी मेहरबानी करिएगा। ओके, अगला देखो, यहाँ पे आया 21A, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आर्टिकल नंबर 21 के बारे में बात करेंगे। देखो 21 क्या कहता है एग्जैक्टली, चिंकी दे आर नॉट एब्सोल्यूट। दिव्या तिवारी मैं आपको ये कहना चाहूंगी बेटा, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हो या फिर वीडियो के नीचे कर सकते हो मैसेज, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, हर एक चीज को मुझे बताना होता है, तो इसलिए मे भी आपका जो कमेंट है वो हम नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज आप मुझे टेलीग्राम पे भी एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ओके, यहाँ देखो आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, राइट टू लिबर्टी, मतलब अपनी इच्छा से जीने का जो अधिकार है वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। और इसी के अंदर आपको एक चीज और मिलती है, दैट इज राइट टू प्रिवेसी, यानी कि गोपनीयता का अधिकार। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके पास ये राइट है, आप ये राइट किसी को दे नहीं सकते भैया, क्योंकि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं नहीं चाहता मेरी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर हो, तो ये क्या है, मेरा मौलिक अधिकार है। बट समझना, जब भी इमरजेंसी लगती है, जब भी आपातकाल की स्थिति आती है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, कंडीशन ये है भैया आर्टिकल नंबर 19 तो जाएगा ही जाएगा, सारे फंडामेंटल राइट्स जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके कभी नहीं जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपके कभी नहीं जाते हैं। ठीक है, वो देखो श्रद्धा और यहाँ पे दिव्या आपस में बात कर लो बेटा, गपशप कर लो। ठीक है, ये आर्टिकल तो बाद में भी आते रहेंगे, व्हाट्स अ बिग डील। चलो अच्छा नेक्स्ट समझो, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल 21A कहता है यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करी जाती है। एग्जैक्टली विशाल, यही वाली कंडीशन होने वाली है। अब समझिएगा यहाँ पर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करी जाती है, तो ये आपके लिए हो जाएगा अमेंडमेंट नंबर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब किया गया है, 2002 में इसको किया गया। समझ में आई बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आई होप कि ऐसी कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 21, इनमें से कौन कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो आपको आर्टिकल नंबर 21 के अंदर दिया गया है, फटाक से आंसर करो इसको। अबे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट के द्वारा इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये बोला कि अभी देखो राइट टू प्राइवेसी को लेके काफी ज्यादा बवाल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो आधार कार्ड है उसको हर एक बैंक अकाउंट के साथ लिंकअप कराना है। लोगों ने बोला कि भैया ये तो हमारा राइट है,
हमारी प्रिवेसी है, मैं क्यों जाके अपने आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन बैंक को दूं। तो उस टाइम पे ये जो मुद्दा था, ये जो आर्टिकल था, ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। तो यही चीज है कि अगर पार्लियामेंट चाहती है तो फंडामेंटल राइट्स में अपने हिसाब से चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रियम्बल के अंदर जो बातें बोली गई हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। बाकी अपने अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट के अंदर कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए? आर्टिकल नंबर 368 का यूज करते हुए। ठीक है, बताओ ऑल होगा इसका आंसर। बेटा ये क्लास आज स्पेशल क्लास है, 10:30 बजे से 12 बजे तक ये क्लास चलेगा। ये क्लास रोज नहीं होता है, सिर्फ आज है। रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास 11 बजे मिलता है। आंसर आंसर ओके ठीक है। 31A, 31A के बारे में बता रहे हैं। देखो पहले यहाँ पे आ जाओ, अभी तो 21 पे ही चल रहे हैं, अभी 31 कहाँ जा रहे हो, यहीं पे रहो थोड़ा सा। देखो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि प्रिवेसी के बारे में भी बात करेगा, फ्री लीगल एड भी देगा, स्पीडी ट्रायल, मतलब ये अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से कहीं भी जाके खा रहे हो, अपनी मर्जी से सो रहे हो, वो बात अलग है कि घर वाले जब यहाँ पे टोकेंगे ना तो उठ के बैठना पड़ेगा। वहां पे फंडामेंटल राइट काम नहीं आते हैं। वहां कभी बोल भी मत देना कि मैम ने बोला था कि फंडामेंटल राइट है, पता चला मेरे पास भी कॉल आ जाए कि आपने कहा था। ओके अगला सवाल, अंडर विच आर्टिकल नंबर गवर्नमेंट बैंड दी एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन है, सवाल में पूछा जा रहा है कि सरकार के द्वारा यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 14 साल से कम होती है, उनको कहीं पे भी काम करने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि इसके ऊपर लगा है बैन। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर बताओ। मैं बोल रही हूँ ना, ये ऐसा हो सकता है, तुम लोग ऐसा कर सकते हो मेरे साथ। ओके इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24। देखो चाइल्ड लेबर, ठीक है ना, चाइल्ड लेबर, अभी हम लोगों ने जून में ही चाइल्ड लेबर डे सेलिब्रेट किया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, चाइल्ड लेबर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नंबर 24 होगा। ठीक, अब आर्टिकल नंबर 24 में तो आपको ये चीज देखने को मिली, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, है ना, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो कि कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक पर्सन है, उसको किसी एक राज्य में अगर वो रहता है तो उससे अगर जबरदस्ती यहाँ पे फोर्स्ड तरीके से काम कराया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर फोर्स्ड लेबर बोलेंगे। लेकिन अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके बेचा जाता है और फिर उससे फ्री में काम कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन से आर्टिकल में आएगी, आर्टिकल नंबर 23 के अंदर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 23 क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 24 क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका चाइल्ड लेबर। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ये सारे आर्टिकल ध्यान से सुनना, ये सारे आर्टिकल बात करते हैं किसके बारे में, रिलीजन के बारे में, यानी कि धर्म के बारे में ये आर्टिकल दिए गए। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 25, कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर है तो वो अपनी इच्छा से अपने धर्म का पालन कर सकता है, उसको कोई भी मनाही नहीं है। पहला आर्टिकल नंबर 25 में ये बात बोली गई है। ठीक है, या सेशन को एक बार से शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अगला देखो लिखा है आर्टिकल नंबर 26, इसमें बोला जाता है कि अगर भी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहता है तो यहाँ पे वो अपने धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर सकता है। ये कहा गया कौन से आर्टिकल में, 26 के अंदर। तो यहाँ आप देखें अगर, तो जो आपका रिलीजन है, जो आपका धर्म है, उसके लिए यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल दिए गए, 25, 26, 27 और 28, ये चार आर्टिकल जुड़े हुए हैं किससे, रिलीजन से। अब मैं बताऊं यहाँ पे तुम लोग के सवाल क्या आते हैं, मुझे पता है यहाँ पे सवाल क्या आएंगे। पहला सवाल आएगा, मैम क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति है, सपोज करिए वो किसी और रिलीजन से जुड़ा होता है और वो किसी और रिलीजन में अगर जाके शादी करना चाहता है, क्या वो ऐसा कर सकता है? ये पहला सवाल होता है तुम लोगों का, हाँ भैया वो अपनी इच्छा से ऐसा काम कर सकता है। दूसरा सवाल आपका होता है कि अगर कोई पर्सन एक किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, क्या वो अपना रिलीजन चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से करेगा तभी ऐसा काम किया जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन तुम लोग इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछते हो, है ना। वो देखो कुछ लोगों का गुड मॉर्निंग अब हो रहा है, भैया क्लास में समय पे आ जाया करो, जरूरी होता है। हाँ जी आंसर बताओ, क्वेश्चन का आंसर करो फटाक से। सवाल में पूछा जा रहा है, टिल 42nd अमेंडमेंट इन 1976 द वर्ड सेकुलर वॉज नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर व्हाट। सवाल में पूछा जा रहा है आपसे कि प्रियम्बल के अंदर जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, कौन सा वाला, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। ठीक है, अब जब ये अमेंडमेंट किया गया था तो ये कौन से ईयर में था, 1976 में था।
तो अब इसमें बोला जा रहा है आपसे कि अगर यहाँ पे ऐसा काम किया जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो कुछ वर्ड भी तो जोड़े गए होंगे, तो जो शब्द यहाँ पे जोड़े गए हैं वो क्या है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो सेकुलर शब्द है, यानी कि अमेंडमेंट के बाद तो देखने को मिला, लेकिन उससे पहले ये आपको कौन से वाले आर्टिकल में देखने को मिलता था, ये बताओ कौन से वाले आर्टिकल में देखने को मिलता था, इसका आंसर करो, जल्दी से आंसर करके बताओ। आंसर क्या बनेगा, आर्टिकल नंबर 25। मैंने अभी आपको क्या बताया, हर एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल सेकुलर है, अपनी इच्छा से वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। हमारी जो कंट्री है वहां पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियां आपको मिलती हैं, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेकुलर शब्द आपको कौन से आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। अब देखो जितने लोगों को आर्टिकल में 31 में प्रॉब्लम थी ना, यहाँ पे हम बात करेंगे। सुरेश एका, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो दोनों आर्टिकल्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आप यहाँ पे फिर भी बोल रहे हो तो मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ। 20 और 22 दो आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल नंबर 20 में बोला जाता है कि अगर सपोज करिए कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी अगर एक पर्सन है जिसको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है ना, अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उनके भी तो राइट होते हैं। तो ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 20 में, बट एग्जाम में पूछा नहीं जाता। एग्जाम में सिर्फ इतना आता है इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा आर्टिकल आपसे नहीं छीना जाता, तो याद रख लेना आर्टिकल नंबर 20 हो जाएगा। और 22 में ये बोला जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, एनी पर्सन ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट दिया जाता है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 22 के अंदर ये दिया जाता है। चलो इसका आंसर बताओ। गुड मॉर्निंग शहनवाज। ओके देखो सवाल में क्या पूछा जा रहा है, इंडिया कैन रिमेन आउट ऑफ द प्रिव्यू ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब बताओ इसमें जो मदरसे वगैरह होते हैं इनको बाहर रखा जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट से, अब यहां पे कौन से आर्टिकल के अंदर ये आएगा, जल्दी जल्दी आंसर। एग्जैक्टली, फैमिली डजेंट ओबे फंडामेंटल राइट्स, आंसर होगा यहाँ पे। अगर देखो ये सवाल पूछा जाएगा तो भैया इसका आंसर पहले तो सही मार्क कर लेना, आर्टिकल नंबर 28 के अंदर ही आएगा। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है जरा समझिएगा, पहले तो 27, फिर 28, फिर 29। 27 में बोला जाता है कि आपको अपने धर्म का अगर पालन करना है तो आपको इसके लिए किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 28 में बोला जाता है जैसे कि मदरसे हो गए या फिर मठ वगैरह होते हैं ना, ये सब जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे धर्मों की शिक्षा दी जाती है, यानी कि आपके रिलीजन से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो आपको दी जाती है। बट कोई भी पर्सन बाउंड नहीं है, कोई भी पर्सन को आप जबरदस्ती वहां पे नहीं रोक सकते, भैया यहीं रुको तुम जा नहीं सकते, ये वैसा वाला यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 29 और 30, दो आर्टिकल हैं, ध्यान से सुन लेना। 29 और 30 ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो माइनॉरिटीज के लिए बनाए गए, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, कौन, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म, ये जो छह आपको माइनॉरिटीज इंडिया के अंदर मिलते हैं इनके लिए इनको बनाया गया है, आर्टिकल नंबर 29 और 30 को बनाया गया है। आर्टिकल नंबर 29 के अंदर इन लोगों के कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात बोली जाती है, और आर्टिकल नंबर 30 के अंदर एजुकेशन के सेक्टर में इनको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये आर्टिकल दिया जाता है, आर्टिकल नंबर 30। तो दोनों ही आर्टिकल मैंने आपको बता दिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये माइनॉरिटीज के लिए हैं, सबके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये माइनॉरिटीज के लिए हैं, ठीक है। बच्चा बता रहे हैं, अब आया है सवाल, तुम लोग तो ऐसे करते हो जैसे कि मैम छोड़े देनी, अरे भैया आया है सवाल, अब 31A मैम बताइए, 31A बताइए, 31A आने तो दो। ओके, विच आर्टिकल वॉज अमेंडेड बाय 25th Amendment Act 1971, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वाला आर्टिकल है जिसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था 1971 में, आंसर करो। अरे भैया माफ करो, मतलब हर सैटरडे संडे क्लास लेंगे तो मेरी मतलब टाइम तो दे दो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, पहले इसका आंसर बता दें, आंसर होगा 31C। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, आर्टिकल नंबर 31A में क्या बोला जाता है, सेविंग द लॉ फॉर प्रोवाइडिंग द एक्यूजिशन ऑफ स्टेट, यानी कि लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ आपको आर्टिकल नंबर 31A देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ना राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या है, संपत्ति का अधिकार है, तो इसके लिए आपको पहले जो आर्टिकल देखने को मिलता था वो यही वाला आर्टिकल था। पहले क्या होता था कि आप यहाँ पे किसी का भी लैंड ले लो, किसी की भी संपत्ति ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब क्या होता है भैया, ये एक लीगल राइट हो गया है, आपको कानूनी तरीके से किसी की संपत्ति आप ले सकते हो अगर उस पर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो किस में आएगा, 31A में आएगा। जो 31C लिखा हुआ है इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है सेविंग ऑफ द लॉ गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्या मतलब हुआ, देखो समझना,
जब हम बोलते हैं डीपीएसपी है ना, नीति निर्देश एवं तथ्य बोलते हैं, या फिर जब हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या मतलब हुआ? जो हमारे अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार हमें किसी भी राज्य के अंदर हमारी राज्य सरकार ही तो देगी ना। अगर मान लो मेरे जो राइट्स हैं अगर वो वॉयलेट हुए तो यूपी गवर्नमेंट ही तो मुझे वो मेरे अधिकार वापस दिलाएगी जब हम किसी कोर्ट में जाके बोलेंगे, यही तो होगा ना। तो ये जो राइट्स हैं ये तो ठीक बात है, लेकिन इन राइट्स को प्रोवाइड कौन कराएगा? इन राइट्स को प्रोवाइड कराया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जो डीपीएसपी है, नीति निर्देश एवं तथ्य जो है, इसके अंदर यही बात तो लिखी गई है कि अगर यहाँ पर एक वेलफेयर स्टेट बनानी है तो आपको डीपीएसपी को फॉलो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अगला सवाल, द फंडामेंटल राइट डैश हैव बीन डिलीटेड बाय डैश एक्ट। बताओ, मैं नहीं बता रही, मैं तो कतई इसका आंसर नहीं बता रही, बताओ। देखो इसका आंसर क्या बनेगा, प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको बता दिया, यानी कि आर्टिकल नंबर यहाँ पे 30 के अंदर आता था, 300A के अंदर आ गया। अमेंडमेंट कौन सा हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन से ईयर में हुआ है, तो 1978 में आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिला। गजब, दिस वीडियो इज फॉर विच क्लास, मतलब पसीने पसीने इंसान हो जाए अगर ऐसा सवाल पूछ लो तो, कसम से बता रहे। पॉलिटिक्स कौन से बैच में नहीं आती या फिर कौन से एग्जाम में नहीं आती बेटा, पहले तो मुझे ये बता दो। है अभी बोलेंगे मैम बीए के एग्जाम में नहीं आती, तुम लोग ऐसा भी कह सकते हो। आई नो यू पीपल। भैया ये क्लास जो है ये एनडीए सीरीज एसएससी फॉर एवरी एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम, स्पेशली फॉर एसएससी एग्जाम, ठीक है, सबके लिए जरूरी है। पॉलिटी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे पॉलिटी ना आती हो। चलो अगला सवाल, आर्टिकल नंबर 32, बताओ, रिट्स के बारे में बात की जा रही है, आपको बताना है इसके बारे में, बताइए। वाह 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 वाह, तीन चार घंटे, बस शक्ल देखिए मेरी, 3-4 घंटे। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, रिट्स, अरे हाँ ये तो बताना भूल ही गए, रिट्स के ऊपर आज अनअकैडमी पे दोपहर में 3:30 बजे स्पेशल क्लास लगाई हुई है मैंने, तो वहां पे जुड़ जाइएगा। क्लास का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है रिट्स के बारे में, रिट्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के ऑर्डर होते हैं। भैया क्लास शेयर वेयर करोगे कि नहीं, तुम लोग बेइज्जती कराओगे मेरे, किसी दिन हम बता रहे हैं, अगली बार से ये कहा जाएगा ऐसा है मैम आप क्लास नहीं लेंगी क्योंकि बच्चे नहीं आते आपके क्लास में, मैं सच्ची बता रही हूँ, किसी दिन यही होने वाला है। चलो अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे क्या चीज लिखी गई है। रिट्स का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर या तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा या तो आपका हाई कोर्ट जारी करेगा, बहुत बढ़िया बात है। जब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है तो आर्टिकल नंबर 32 यूज होता है, और जब इसको हाई कोर्ट जारी करता है तो 226 यूज होता है। रिट्स क्या है, ऑर्डर्स हैं, कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, और ये पांचों के पांचों आज हम लोग 3:30 बजे पढ़ने वाले हैं, तो बी ऑन टाइम। अगला पार्ट आया पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी के बारे में। देख लो पहले समझ लो इस वर्ड का मतलब क्या है, डायरेक्टिव यानी कि कोई निर्देश होंगे, प्रिंसिपल यानी कि कोई सिद्धांत होंगे, और स्टेट इसका मतलब ये हो गया कि राज्य सरकार को अपने राज्य के अंदर कुछ ऐसा काम करना होता है जिससे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें बोला जाता है वेलफेयर स्टेट के बारे में, तो ये बोला जाता है कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 4 के अंदर ही आता है। आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 4 रहेगा। देखो समझना, चलो यहीं पे बता देते हैं, ये क्या है, डीपीएसपी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की हो गई। अब स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन लिया कहाँ से भैया, आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड ने कहाँ से लिया, स्पेन से लिया है। अब इसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट वाली कहानी तो बात की बात हो गई, लेकिन दे आर नॉन जस्टिसेबल, मतलब अगर केंद्र सरकार आपके आपके लिए अगर कोई काम नहीं करती है तो आप फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में जा सकते हो। बट सपोज अगर स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए कोई काम नहीं कर रही, आपके वेलफेयर के लिए कोई कदम नहीं उठा रही, तो आप उसके खिलाफ किसी कोर्ट में अपील करने नहीं जा सकते। यही होता है नॉन जस्टिसेबल और जस्टिसेबल, ठीक है। चलो अच्छा, पहला आर्टिकल के पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर आपको बताना है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट, ध्यान से सुनना, prescribing punishment that declared for the offences under fundamental right। इसका आंसर क्या बनेगा भैया, इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 35। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझ लो इस चीज को। पार्लियामेंट के अंदर अगर देखा जाए तो आपको एक राइट मिलता है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368 है, जिसमें यह कहा जाता है कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से किसी भी चीज को चेंज कर सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 35 में अगर देखा जाए तो बोला जाता है इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं, यानी कि इसके जो लेजिस्लेचर होता है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि पार्लियामेंट अपनी इच्छा से फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है यूजिंग आर्टिकल नंबर 368। काहे में बोला है,
35 में बोला गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें से सिर्फ ये वाला आर्टिकल आता है, 32 एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी कोई भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन आर्टिकल नंबर 34 क्या कह रहा है, समझ लो इस चीज को, इसमें बोला गया है मार्शल लॉ, किसी भी जगह पर मार्शल लॉ को इम्पोज किया जा सकता है, लेकिन मार्शल लॉ नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मार्शल लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, इसकी कोई भी परिभाषा हमारे संविधान के अंदर नहीं लिखी गई है। वो देखो भैया ढोंगी बाबा कैसे कैसे नाम रखते हो, टफ सेशन है भैया, पॉलिटी इज टफ। और हाँ, अगर किसी को ये सारे चैप्टर्स भी डिटेल में पढ़ने हैं तो वो मुझे ज्वाइन कर सकता है मेरे पेड बैच में जो अनअकैडमी पे चलने वाला है, मतलब नेक्स्ट मंथ वो शुरू हो जाएगा। ओके, पार्ट नंबर 4 में अगर डेफिनेशन पूछी जाए स्टेट की, आर्टिकल बोलो, सिंपल है, आर्टिकल नंबर 36। अभी एक आर्टिकल देखिए मैम 12 था, अब आर्टिकल नंबर 36 आ गया और फिर से आप कह रहे हो डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है इसमें बोला जाता है कि जो राज्य सरकार है वो जिम्मेदार है कि उनका जो राज्य है, उनका जो स्टेट है, उसको एक कल्याणकारी राज्य बना दो, उनको एक क्या कर दो, एक वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट कर दीजिए। ये बोला जाता है आर्टिकल नंबर 36 के अंदर। सारे आर्टिकल आपके सामने एक बार से समझ लो, देखो ये मैंने आपको बता दिया। 37 में क्या कहा जाता है कि आर्टिकल नंबर 36 के अंदर जो भी स्कीम आती है, कोई भी अगर प्रोविजन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है तो उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, ये आता है आर्टिकल नंबर 37 में, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, भूल जाना। अगला है आर्टिकल नंबर 38, इसमें बोला जाता है कि भैया वेलफेयर तो करेंगे लेकिन सोशल लेवल पे वेलफेयर करेंगे। क्या मतलब हुआ, जैसे कि पीडीएस सिस्टम, क्या है ये, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये होता है कि जैसे मान लो कि कोई राशन कार्ड लेके गया पीडीएस सिस्टम के अंदर, यानी कि राशन की दुकान पर राशन कार्ड लेके गया, तो उस पर क्या होता है, उसको कम प्राइसेस पे सारा सामान मिल जाता है, अनाज वगैरह दालें वगैरह सब मिल जाती है। तो ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने ही तो इस चीज को किया ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू नहीं करेगी, उसमें बैठ के घोटाला करेगी, तो क्या वेलफेयर स्टेट बनेगी, नहीं बनेगी। तो ये काम वो होता है किसके अंदर, कि सोशल लेवल पर वेलफेयर प्रोवाइड कराना है किसको, राज्य सरकार को। ये बात बोली गई है आर्टिकल नंबर 38 के अंदर और ये भी एग्जाम में नहीं आता। प्रियंका दिस इज फॉर यूपीएससी, मतलब अब मेरे को बोलना पड़ेगा, पॉलिटी जान होती है यूपीएससी की, ये बात समझ लेना, पॉलिटी ज्योग्राफी जान होती है यूपीएससी की। यूपीएससी का पेपर उठा के कभी भी देख लेना, पॉलिटी ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, हिस्ट्री तो एक अलग सेक्शन हो गया, हिस्ट्री के सिर्फ 5 से 6 सवाल, उसके अलावा हिस्ट्री भी नहीं आती, ठीक है। चलो अगला है आर्टिकल नंबर 39, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल नंबर 39 में बोला जाता है इक्वल वेजेस, यानी कि बराबर की यहाँ पे तनख्वाह दी जाएगी, किसको, मेन एंड वुमेन को। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है इक्वल वेजेस कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल नंबर 39 होगा। अब बताओ इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो गलत है, जो रॉन्ग मैच है। अभी आ रहा है कि नहीं, एक बार फिर से जरा चेक कर लीजिएगा इसको, एक बार फिर से इसको चेक करो भाई, अभी चला कि नहीं चला ये बताओ। अभी फिर से चेक करना, इज इट ओके, इज इट ओके, जल्दी बताओ, हैप्पी बफरिंग मना लो तुम लोग, इज इट ओके, परफेक्ट है, चल गया कि नहीं चला बताओ, चला कि नहीं चला, जल्दी बोलो। ओके चलो एक बस चल गया भैया, चल गया, यहाँ पे आ जाओ भैया क्लास में, फिर से वापस आ जाओ, चल गया है, चल गया, चल गया, चल गया है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा एक बार से बोल दे भैया, चल गया है क्लास। ओके देखो क्या करते हैं ना, बफरिंग का कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। चलो अच्छा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 41 लिखा हुआ था जो कि इनकरेक्टली मैच था, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 41 में क्या बोला जाता है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन फॉर पब्लिक असिस्टेंट केसेस के केस में भी आपको राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 41, ठीक है। और ये चल तो गया है, काय के लिए रो रहे हो, चल गया है, चल गया, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, इतना हाइपर क्यों हो जाते हो, टेंशन में क्यों आ जाते हो तुम लोग, ठीक है, इट्स ओके, फाइन, ठीक है। चलो ओके आर्टिकल देखो यहाँ पे क्या है, सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सन जो है, कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है वर्क के अंदर, तो इनमें से कौन सा आर्टिकल दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, आर्टिकल बताओ। टी ब्रेक था, एग्जैक्टली, इट वॉज जस्ट अ टी ब्रेक, यहाँ पे चाय पानी के लिए गए हुए थे और कुछ भी नहीं था। जल्दी करो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बोलो, इसका आंसर क्या बनेगा।
आंसर बताओ क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 43A, इसका करेक्ट आंसर बनेगा, जिसमें यह बोला जाता है कि कोई भी अगर व्यक्ति है तो किसी भी इंडस्ट्री में जाके काम कर सकता है। अब देखना यहाँ पर आर्टिकल नंबर 43 कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें लिखा गया है लिविंग वेजेस के बारे में, यानी कि जो अभी मनरेगा वगैरह हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, कोई भी पर्सन अगर काम करता है, तो उसको यहाँ पे मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करने की बात होती है, यही तो लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 43 के अंदर। ठीक है, अगला देखो 45 क्या कहता है। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। आर्टिकल 45 ये कहता है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी आयु 6 वर्ष से कम है, उनके लिए एजुकेशन का जो सिस्टम है वो आर्टिकल नंबर 45 में दिया है कि इन बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? माता पिता के ऊपर होती है, पेरेंट्स के ऊपर होती है। और अगर सपोज कभी पूछ लिया जाता है एजुकेशन शब्द टोटल कितने आपके पार्ट्स में आता है, तो आंसर क्या करोगे बताओ? किसको साउंड नहीं आ रही भैया? ऑल गुड ना, ऑल गुड ना, आवाजें आवाजें आ रही है कि नहीं आ रही है बता दो एक बार से। या फंडामेंटल राइट्स की बात मत करो। ओके, अगला देखो, इनमें से कौन सा ऐसा डीपीएसपी है जो आपको यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। जरा समझिएगा इस चीज को। जब हम डीपीएसपी बोलते हैं ना, नीति निर्देश एवं तथ्य की बात करते हैं, तो इसमें तीन चीजों में डिविजन होता है। यानी कि पहला गांधीयन प्रिंसिपल, यानी कि गांधी जी के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ। दूसरा होता है यहाँ पे सोशल, यानी कि समाज के अंदर अगर देखा जाए तो समाज से जुड़े हुए जो अधिकार होते हैं, जो कि राज्य सरकार को देने पड़ते हैं, उनके लिए काम करना पड़ता है, वो आ जाएगा सोशल में। तीसरा हो जाता है आपका लिबरल, यानी कि लिबरल के लिए भी कुछ आर्टिकल डिवाइड किए गए। बट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से गांधीयन प्रिंसिपल है, तो आर्टिकल नंबर 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48, ये वो आर्टिकल है जो आपके गांधी जी को सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ। किसी ने कुछ दिन पहले मुझसे ये सवाल पूछा था, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाता है, यानी कि जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग करने का जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया? हाँ मौसम, आज कुछ गिरने की आवाज नहीं आएगी, वो सारी आवाजें सुबह सुबह आती है। इसका आंसर क्या बनेगा? आर्टिकल नंबर 50। अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। देखो आर्टिकल नंबर 48 के अंदर अगर देखा जाए तो 48 के पार्ट में आपको क्या चीज दी जाती है, मैं आपको ये चीज बता दूं यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। आज सुबह सुबह तुम लोग को बताए थे ना, एक स्कीम शुरू हुई है, बस वो यहीं पर जुड़ी हुई है, इसी से जुड़ी हुई है। आर्टिकल नंबर 49 में क्या बोला जाता है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी कि जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, इमामबाड़ा हो गया, ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ना, इन सबको प्रोटेक्ट करने का राइट सिर्फ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है भैया, तुम लोगों का भी होता है। जाते हो ना वहां पे अपने लव लेटर्स लिख कर आते हो, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी होती है, ये बोला जाता है आर्टिकल नंबर 49 के अंदर। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी या फिर आपका लेजिस्लेटिव, तीनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? ये होता है विधि, विधि का मतलब हो गया किसी भी चीज को बनाना, ठीक है। दूसरा होता है जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी चीज बनाई गई है उसके ऊपर न्याय देना। और तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो चीज यहाँ बनाई गई है उसको लागू करेगा कौन? एग्जीक्यूटिव। और इसके ऊपर न्याय कौन देगा? जुडिशरी। ये तीनों जो है ना हमारे डेमोक्रेसी के क्या है? पिलर्स हैं। अगला सवाल, आर्टिकल नंबर 51 इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है बताओ? छत्तीसगढ़ वाला गाय के लिए जोता, बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रियंका नहीं, बिल्कुल भी। देखो हमारे जो फोर्सेस होते हैं, जैसे कि मिलिट्री है, हमारा आर्मी है, आर्मी के बाद एयरफोर्स है, नेवी, इनको कोई भी राइट नहीं दिया जाता है। अगर इनके लिए कोई भी राइट का प्रोविजन होता है तो वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है, इसके अलावा उनके पास आपको कोई भी राइट देखने को नहीं मिलता है। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी कि आर्टिकल 51 ये कहता है कि राज्यों को कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए कि राज्य तो खुशहाल रहे, लेकिन उसके साथ में जो देश है, जो कंट्री है, वो भी यहां पे क्या रहे? प्रोटेक्टेड रहे और सेफ रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो। द यूनियन गवर्नमेंट डिस्क्राइब अंडर विच आर्टिकल नंबर, पार्ट नंबर 5 बताओ। पार्ट नंबर 5 किसके अंदर आता है? या मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, जब क्लास दोबारा शुरू हो गई तो यहां ग्रुप पे मैसेज कौन करता है भाई? पढ़ लो यहां पर। चलो इसका आंसर बोलो, इसका आंसर क्या बनेगा? देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 52 से 151 तक। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज और बता दें, पार्ट नंबर 4 की जब हम बात करते हैं ना, तो ये तो हो गया डीपीएसपी, लेकिन पार्ट नंबर 4A के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मौलिक कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्य किसके लिए होते हैं? भारत के नागरिकों के लिए होते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये आया कि इसको जब जोड़ा गया था तो यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम आता है। स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर ही इसको जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जब जोड़ा गया था तो इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, ठीक है। कौन से ईयर में? 1976 में इसको किया गया था। लेकिन अब आया यहाँ पे यूनियन। यूनियन में आर्टिकल कहाँ से? 52 से लेके 151 तक देखने को मिलते हैं। यानी कि जो सबसे पहला आर्टिकल है 52, ये क्या कहता है? ये कहता है भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, ठीक है। सवाल देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और वो इतने कैपेबल, यानी कि उनके पास जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी होनी चाहिए कि वो लोकसभा के अंदर भी जाके बैठ सके। बहुत बढ़िया बात है। ये दिया कौन से आर्टिकल में है? तो आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल नंबर 58। देखो 52 में तो बोला गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 54 में बताया गया यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कि इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 55, जो बताता है मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, आर्टिकल नंबर 55 में आता है। 56 में क्या बोला जाता है? 56 में आता है इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर, यानी कि इनका कार्यकाल कितना होगा, यहाँ पे 5 साल का रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि इनका टेन्योर कितना होगा, 5 साल का रहता है, ठीक। अब आया इसमें लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट क्या है? आर्टिकल नंबर 58 हो जाएगा यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट, जिसमें क्या बोला जाता है, क्वालिफिकेशंस दी जाती हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी योग्यता होनी चाहिए जिसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है, ठीक है। चलो अच्छा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए और यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज समझिएगा, इंडिया के अंदर अगर किसी को भी राष्ट्रपति चुनना है तो ये इनफाइनाइट टाइम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका 5 साल पूरा हो गया तो वो दोबारा नहीं चुने जा सकते, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे क्या प्रोविजन है, हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो लॉन्ग, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेके आते हैं, उनको कितनी बार भी राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल स्पीक्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया? आंसर करो, बताओ बच्चा, अभी जो पढ़ा रहे बेटा, आर्टिकल नंबर 53 में बोला जाता है कि हमारे देश के अंदर अगर कोई भी एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, कोई भी बिजनेस होगा, तो वो हमेशा राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। क्या बनेगा इसका आंसर? ओके, देखो आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 61 होगा। यहाँ पे जब हम इम्पीचमेंट बोलते हैं ना, तो पहले तो ये पता हो कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो ओथ यहाँ पे कौन दिलाएगा, इनको सीजीआई के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल नंबर 63 बात करेगा उपराष्ट्रपति के बारे में, बट आर्टिकल नंबर 61 क्या कहता है, इम्पीचमेंट के बारे में, महाभियोग के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ कौन सा आर्टिकल है जो एग्जाम में पूछा जाता है? सवाल में कहा जा रहा है कि पार्डनिंग पावर, यानी कि जो क्षमादान की शक्ति होती है, किसकी? प्रेसिडेंट की। कौन से आर्टिकल में दी गई है? आंसर करो फटाक से। आंसर क्या बनेगा इसका? आर्टिकल नंबर 72। देखो अब समझ लेना, आर्टिकल नंबर 74 में कहा जाता है मंत्रिपरिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल नंबर 76 में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, और आर्टिकल नंबर 72 में बोला जाता है क्षमादान की शक्ति। देखो जब हम पार्डनिंग पावर बोलते हैं ना, तो ये जो शक्तियां होती हैं ये राष्ट्रपति के पास भी होती हैं और राज्यपाल के पास भी होती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, राष्ट्रपति जो हैं इनके पास ये भी शक्ति होती है कि जो डेथ सेंटेंस होता है, यानी कि जो मृत्यु दंड दिया जाता है ना, वो यहाँ पे क्या हो सकता है, उसको रोक सकता है कौन? प्रेसिडेंट रोक सकता है, और इसको चेंज भी कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट। बट गवर्नर जो होता है ना, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको सस्पेंड कर सकता है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया जा सकता। अरिंदम जी हाँ बिल्कुल, देखो बेटा वो जो 21 वाला है वो यहाँ पे एज ग्रुप ये रहेगा, और जो मैंने 45 वाला बोला उसके लिए एज ग्रुप ये रहेगा, दोनों में एज ग्रुप का डिफरेंस है ना। चलो अच्छा, अगला देखो आर्टिकल नंबर 111, बताओ भैया किससे जुड़ा हुआ है? वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं होता, इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल सिर्फ 3 लोगों के लिए होता है, पहले हो जाएंगे प्रेसिडेंट, दूसरे होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और तीसरे हो जाएंगे हाई कोर्ट के जजेस, दैट्स इट, इसके अलावा किसी के लिए नहीं होता है। आंसर यहाँ क्या बनेगा? एसेंट टू द बिल। देखो समझ रहे हैं यहाँ पे इस चीज को,
जब हम बोलते हैं आर्टिकल नंबर 111, इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति अगर किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी बिल को अगर कानून की अनुमति दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक कानून बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। अब दूसरा होता है यहाँ पे क्या, 110, ये क्या है, मनी बिल है। मनी बिल क्या होता है, जो धन विधेयक होता है, ये धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा के अंदर, और कोई भी विधेयक यानी कि कोई भी जो बिल है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड कौन करता है, तो ये डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा। यह सेशन को एक बार से जरा शेयर कर देना, क्योंकि आई थिंक कि अभी जो बफरिंग हुई थी उसके वजह से आधे लोगों को लगा कि क्लास खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। ओके, अगला देखो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 112, ये क्या कहता है, आधे बोलेंगे मैम ये कहता है, बजट कहता है, बट ध्यान रखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कोई भी शब्द लिखा हुआ नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि पूरे साल भर में जितना भी काम किया गया है वो एक जगह पे आपको लिखा हुआ मिलता है, कौन से आर्टिकल में, 112 के अंदर। अभी रुक जाओ तुम, अभी मैं बता रही हूँ ना, तुमको बताते हैं बेटा, जहां पे जो कहा गया वही तो बताएंगे ना। अब बिलो सिक्स ईयर लिखा गया, भैया मैं तो बिलो सिक्स ईयर में स्कूल गई थी, तुम्हारा पता नहीं मुझे। चलो एग्जैक्टली 14 डेज का टाइम दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखो यही सब चीजें अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तो अगले महीने में देखो यहाँ पे पूरा बैच आने वाला है, ठीक, तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो क्लास है ये आपका आर्टिकल्स के लिए, जितने आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है सब पढ़ लेंगे यहाँ पे। देखो अगला क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर होता है 124, यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन जैसा शब्द आता है, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन जैसा शब्द आता है तो ये कौन से आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल नंबर बताओ ना, डाउनलोड वाउनलोड कुछ नहीं भैया, सीधे यही है, पीडीएफ भी ना देंगे हम तो, पढ़ो इसको यहीं पर, पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, मजबूरी है भैया, पढ़ना नहीं है क्या तुम लोग को। देखो आर्टिकल नंबर 131, मैंने आपको एक बार बताया था कि केरला सरकार के द्वारा CAA के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दर्ज करी गई थी, उस टाइम पे मैंने आपको ये आर्टिकल नंबर समझाया था, अच्छी तरीके से पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हम उसको ओरिजिनल कहते हैं। अगर कोई भी ऐसा केस है जो हाई कोर्ट में गया हो और उसके बाद उस वहां से प्रोसीड हुआ हो तो उसको यहाँ पे अपीलेट का नाम दिया जाता है कि वो अपील के द्वारा गया होगा, ठीक है। अरे काहे का हैप्पी बर्थडे भैया, कोई बर्थडे बर्थडे नहीं है, तुम लोग तो मतलब हद है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट किस में आ जाएगा, 124 में आएगा। एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुल अब आपको कितने यहाँ पे जजेस वगैरह मिलते हैं, तो टोटल फिगर कितना हो जाएगा, 33 जजेस होंगे, वन कौन हो जाएंगे, CJI होंगे। 47th नंबर के जो CJI हैं वो कौन है, ऐसे बोबडे जी हैं। अभी हाल ही में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के समय पर इनका नाम जो है वो चर्चा में आई था, आपको पता ही है ये चीज, ठीक है। चलो अब अगर पूछा जाए अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब अगर हाईकोर्ट से कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में गया है तो किसी अपील के द्वारा ही तो गया होगा, तो इसके लिए आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा, 132 आर्टिकल नंबर रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल नंबर है जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पे सलाह ले सकते हैं, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे आर्टिकल नंबर 143। जैसे कि बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, है ना, तो उस टाइम पे भी यही सेम सिचुएशन थी, प्रेसिडेंट ने उस टाइम पे क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनसे आप एक कह सकते हो कि एडवाइस ली थी। ध्यान रखना अगर यहाँ पे आर्टिकल नंबर 143 का इस्तेमाल होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस होगी, मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखो भैया, क्या आ गया बताओ, कौन सा इसमें से इस ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू पूछा गया है। CAG कौन होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 148 के अंदर ये दिए गए हैं, और इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल यहां से कहां पे कहां तक रहेंगे ये यहां पे गलत दिया हुआ है, कौन बताएगा इसका सही मुझे, बेटा 123 जो होता है ये ऑर्डिनेंस पावर है, ठीक है, यहाँ पे अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के पास जो होती है वो आर्टिकल नंबर 123 के अंदर होती है। अभी आगे एक्चुअली गवर्नर के ऊपर ये क्वेश्चन बना है ना, तो वहीं पे कंपेयर करके हम आपको बता देंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल यहाँ पे कहां से कहां तक दिए गए हैं ये आप समझ सकते हैं, समझ गए, ठीक है, 148। ओके, 4 आएगा, गजब गजब गजब, मतलब हद दो भैया, ये सही है स्टेटमेंट, और ये अभी प्रेजेंट टाइम में ये भी सही है। ओके, अब देखो अगला सवाल, गवर्नर यानी कि अब आ गया पार्ट नंबर 6, गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य का जो यहाँ पे राज्यपाल होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, सबको पता है। अब अगर इनका अपॉइंटमेंट करना है तो कौन सा वाला आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नंबर बोलो, आर्टिकल नंबर बताओ,
एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 51 लिखा है ना, 52 तक है, सॉरी 52 लिखा है ना, 51 तक है। हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा, 155। अब देखो एक चीज समझिएगा, इसमें भी अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 152 में भी बोला जाता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में, 153 में बोला जाता है राज्य का राज्यपाल होगा, और 155 में बोला जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति करी जाएगी, और एक ही राज्यपाल को एक से ज्यादा राज्य के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है, ये बात भी बोली गई है। शुभम करेक्ट करो बेटा इसको, 154 नहीं होगा, इट विल बी आर्टिकल नंबर 155। बच्चा अब तो कोई बफरिंग नहीं हो रही, अब तो सही चल रहा है। राधा दिस इज नॉट द टाइम कि अब मैं आपको बताऊं कि एसएससी के लिए या फिर यूपीएससी के लिए, यार आर्टिकल्स हर एक एग्जाम के लिए होता है। देखो यहाँ पर तो ये आपको आर्टिकल याद रखने हैं, जिसमें से आर्टिकल नंबर 159 क्या कहता है, ये ओथ के बारे में बात करता है, यानी कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। फटाक से आंसर करो, अगर कोई गलत बताया तो सोच लेना तुम लोग, हजारों बार ये बात तुम लोगों को बताई हुई है। अगला देखो, राज्य का जो राज्यपाल होता है, अगर इसको हम पार्डनिंग पावर देते हैं, अगर इनके पास क्षमा जान की शक्ति होती है जैसे कि राष्ट्रपति के पास होती है, तो कौन से आर्टिकल में होगी, आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 161। देखो समझना, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि पार्डनिंग पावर में डेथ सेंटेंस जो होता है इसको चेंज करने का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल नंबर 72 में। लेकिन जो राज्यपाल है इनके पास भी ये राइट तो होता है आर्टिकल नंबर 161 के अंदर, बट अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, डेथ सेंटेंस अगर किसी को दिया गया है, तो ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको रोक सकते हैं लेकिन उसको बदल नहीं सकते। ये यहाँ पे डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। चलो अगला देखो। हाँ भैया आंसर, हाँ बिल्कुल 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 आंसर बताओ। एग्जैक्टली नवीन बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो आपका स्टेट के अंदर हाईकोर्ट होगा उसके जो चीफ जस्टिस होंगे वो यहाँ पे इनको शपथ दिलाएंगे। अगला सवाल, आर्टिकल नंबर 167 इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल नंबर 167 इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है, बोलो जल्दी से। जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ड्यूटीज ऑफ द सीएम। देखो यहाँ पे दो आर्टिकल तो पहले ही याद रखो, ये क्या है, स्टेट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो इसमें आ जाएंगे, और स्टेट के अंदर जो सीएम होते हैं वो इसमें आ जाएंगे, तो ये तो बात खत्म हो गई। लेकिन इनकी जो ड्यूटीज होती हैं वो आर्टिकल नंबर 167 के अंदर दी गई हैं, ठीक है। चलो अच्छा अब बताओ अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो करेक्टली मैच्ड है। एग्जैक्टली संदीप, मैं आपको अब ये पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी, अगर सपोज करो कोई एक पर्सन है जिसको राज्यपाल नियुक्त किया गया है और वो यूपी से ही बिलोंग करता है, यूपी में ही उसको अगर नियुक्त किया जा रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वहां पे फेवर किया जाता है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बट ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये शब्द कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब ऐसा हो सकता है बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच, सारे के सारे आर्टिकल यहाँ पे करेक्टली मैच है। देखो आर्टिकल नंबर 200 कहता है कि अगर राज्यपाल के पास राज्य का कोई भी प्रस्ताव आता है तो उसके ऊपर अगर अनुमति दी जाती है, तो आर्टिकल नंबर 200 हो गया। अगला देखो 213, ये क्या है, अध्यादेश। देखो समझना, एक आर्टिकल है ये, एक आर्टिकल है ये, ठीक है। ये आर्टिकल बात करता है राष्ट्रपति के बारे में और ये बात करता है राज्यपाल के बारे में। इसके अंदर जो ऑर्डिनेंस आएगा, जो अध्यादेश आएगा, वो जारी कौन करेगा, राष्ट्रपति जारी करेगा, और इसके अंदर जो अध्यादेश आएगा वो जारी कौन करेगा, राज्यपाल जारी करेगा। दोनों के पास सेम राइट होता है, सिर्फ आर्टिकल यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। अगला देखो आर्टिकल नंबर 217, पहली चीज 214 जो है ये हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, हाईकोर्ट से। इंडिया के अंदर टोटल कितने हाईकोर्ट्स हो गए, 25, लेटेस्ट वाला कौन सा, अमरावती। अब देखो यहाँ क्या बोला गया, कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर यहाँ हाईकोर्ट के अंदर किसी का भी, जैसे मान लो ट्रांसफर करना है, किसी का भी अपॉइंटमेंट करना है, किसी को भी हटाना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे किससे पूछी जाती है, राष्ट्रपति से पूछी जाएंगी, अंडर विच आर्टिकल नंबर 217, ठीक है। चलो अगला है अप्रोप्रिएशन बिल, ये जो प्रस्ताव है ये आपको इनमें से कौन से बिल में, या फिर यहां पे पूछा था, सिंपल बता दो, आर्टिकल बता दो, जल्दी बताओ। यह सेशन को एक बार से शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, इतना काम जरूर कर देना। इसका आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 114 और 210। एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट हाँ बहुत रेयर केस में अगर सवाल बनेगा तो सवाल बन जाएगा, बट ये ध्यान रखना कि ये सवाल एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला देखो, आर्टिकल नंबर 32,
स्टार्टिंग में था, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जो रिट्स हैं उनको जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर आर्टिकल नंबर 32, लेकिन अगर हाई कोर्ट के द्वारा रिट को जारी किया जाएगा तो ये कौन से आर्टिकल में आएगा? तो ये आर्टिकल बनेगा 226। जरा समझ लीजिएगा सारे आर्टिकल, हाई कोर्ट, ठीक है, 222 हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं अगर उनका ट्रांसफर करना है तो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? 222 हो जाएगा। ये लास्ट वाला आपको बता दिया है। इसके अलावा एक और आर्टिकल होता है 233। इसमें क्या कहा जाता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं इनकी नियुक्ति करी जाएगी राज्यपाल के द्वारा बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। चलो ये मैंने बताई दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे भी। अगला देखो, आर्टिकल नंबर यहाँ से यहाँ तक पार्ट नंबर कौन से में दिए? 8 में दिए गए, यानी कि यूनियन टेरिटरीज का ये हिस्सा आता है। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा वाला, ध्यान सुनना, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन पूछा जा रहा है जिसके अंदर स्पेशल स्टेटस दिया गया है किसको? दिल्ली को। आंसर आंसर करो फटाक से। राज्यपाल का वेतन जो आप पूछ रहे हो ना, पहला पॉइंट तो यही समझ लो कि अगर एक स्टेट में है तो चलो ठीक है, स्टेट यहाँ पे उसका पेमेंट करेगी, उसका वहां पे वेतन जाएगा। लेकिन अगर एक ही राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों के लिए होता है तो पहले दोनों स्टेट से यहाँ पे सहमति ली जाती है, उसके बाद प्रेसिडेंट को बताया जाता है, फिर पार्लियामेंट उसको डिसाइड करती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और स्पेशल राइट्स भी प्रोवाइड करे गए हैं। अगले आ जाओ यहाँ पे पार्ट नंबर 9 में, यानी कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखो सवाल में बोला जा रहा है आर्टिकल नंबर 243 जो है ये पंचायत के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि जो पंचायत है वो 3 स्तर की होनी चाहिए। अब इनमें से कौन सी कमेटी है जिसके द्वारा ये बात कही गई? देखो जल्दी आंसर करो, गवर्नर के पास ऐसी कौन सी पावर है जो गवर्नर के पास होती है प्रेसिडेंट के पास नहीं होती? वैसे मैं बता दूं लेकिन ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, सीधे जाके यूपीएससी में ही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। देखो गवर्नर जो होते हैं उनके पास एक राइट होता है आर्टिकल नंबर 201 के अंदर, जिसमें क्या होता है, स्टेट का अगर कोई भी प्रस्ताव होता है तो उसको रिजर्व किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए। ये पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास होती है, किसी और के पास आपको ये पावर देखने को नहीं मिलती, नॉट इवन प्रेसिडेंट, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा? बलवंत राय मेहता कमेटी। सिंपल, क्वाइट ईजी आंसर हो जाएगा। देखो एल एम सिंघवी जी के द्वारा बोला गया था कि इसको संविधान का दर्जा देना चाहिए, किसको? पंचायतों को। अशोक मेहता कमेटी के द्वारा बोला गया था कि जो पंचायत है वो सिर्फ 2 स्तर की होनी चाहिए थी, इसमें जो बीच वाला ब्लॉक होता है ना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ, यानी कि जो संसद है उनके पास यहाँ पे शक्तियां हैं कि वो कानून बना सकती है, लेकिन किस केस में? इमरजेंसी के केस में। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? जल्दी बताओ ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? हाँ सुन लो, ने बहुत बुलवाया है। चलो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 250 के अंदर ये बात बोली गई है। अब देखो समझिएगा यहाँ पे इस चीज को, अगर सपोज करो कभी इमरजेंसी का समय आ जाता है ना, तो यहाँ पे ये चीज नहीं होती कि ये भैया यूनियन लिस्ट में आता है, ये स्टेट लिस्ट में आता है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, ऐसा नहीं होता है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे पार्लियामेंट जो होती है वो कोई भी कानून बना सकती है अंडर आर्टिकल नंबर 250, और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर, आई थिंक ये बिल्कुल लास्ट में ही चल रहा है, 12 बजे तक की क्लास ही, तो मैंने पूरी कोशिश करी है जितने आपके सवाल बन सकते थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन को इंक्लूड कर लिया जाए। ओके अगला सवाल देखो, कर्नाटका तेलंगाना आंध्रा महाराष्ट्र ये सारे के सारे इंटर स्टेट अगर वाटर डिस्प्यूट होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर राज्यों के बीच में नदी के पानी को लेकर कोई विवाद होता है तो इसको सुलझाने के लिए यहाँ पे एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक कमिटी बनाई जाती है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि भैया कौन से आर्टिकल में ये कमिटी बनाई जाएगी? आंसर बोलो पढ़ा, इसका आंसर करो कि इसका आंसर क्या बनेगा? एग्जैक्टली बिल्कुल सही है यहाँ पे सौभाग्य, अच्छा ये इसका आंसर होगा। चलो ठीक है देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 262, ध्यान रखिएगा कि अगर राज्यों के बीच में कभी भी नदी के पानी को लेकर कोई भी विवाद होता है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अगर होता है, तो उसके लिए जो कमिटी बनाई जाती है अंडर आर्टिकल नंबर 262 के अंदर बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर, द कंट्रीज पार्लियामेंट, हमारे देश की जो संसद है इसके अंदर अगर देखा जाए तो दिस फंड इज सेटअप बाय अंडर विच आर्टिकल नंबर, यानी कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पीएम केयर फंड, तुरंत से दिमाग में आना चाहिए पीएम केयर फंड,
सवाल में पूछा जा रहा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है बताओ। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 267। देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड आएगा 266 में और ये आता है 267 में। अगर यहां से आपको पैसा निकालना है तो आपको संसद से अनुमति लेनी है, और अगर यहां से आपको पैसा निकालना है तो आपको फाइनेंस सेक्रेटरी और साथ में राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है इसी के अंदर पीएम केयर फंड का पैसा रखा गया और बोला गया इसको अंडर आरटीआई ले आओ। आरटीआई आता है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, और इसके लिए जो कानून आया था वो 2005 में लाया गया था। ठीक, अगला सवाल। सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर मान लो जो हमारी केंद्र सरकार है वो किसी भी राज्य को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है ना, जैसे कि मान लो कहीं पे बाढ़ आई, फॉर एग्जाम्पल आसाम में बाढ़ आ गई, तो अब केंद्र सरकार को पैसा देना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा ग्रांट इन एड प्रोवाइड करी जाती है राज्य सरकारों को, ये कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 275। मैंडेटरी क्वेश्चन, मतलब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये सवाल आपसे पूछा ही जाता है, तो बी प्रिपेयर्ड। ये आपको आना चाहिए कि ये आर्टिकल होगा। देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इतने आर्टिकल रट्टा मारने हैं, इसीलिए मैंने ये सेशन लिया कि सब जब पूछते हो ना मैम इतने सारे आर्टिकल कैसे याद होंगे, तो ध्यान रखो भैया हमें सारे नहीं याद करने हैं, सारे कौन सा याद करके हमको यहाँ पे पीएचडी करनी है इनके ऊपर, बट जो आते हैं एग्जाम में वो तो पता होने चाहिए ना। अगला सवाल बताओ भैया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आर्टिकल लिखा है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जल्दी आंसर करो। सवाल में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा इनमें से ऐसी कौन सी कमेटी है जो आर्टिकल नंबर 280 में दिया गया है, और उसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। देखो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है अभी वो 15th वाली आने जा रही है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, एनके सिंह जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। यूपीएससी की बात करो या फिर स्टेट के अंदर जो पीसीएस होता है इनके लिए आपको अलग आर्टिकल मिलेगा 315, और इनके लिए जो आर्टिकल है वो है 338 और 338A। मैंने आज सुबह ही बताया है, आज सुबह की बताई हुई बात है, और अगर पूछ लिया जाता है नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी आर्टिकल नंबर 340। ठीक है, अच्छा ये समझ गया ना, शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है और ये शेड्यूल ट्राइब लिखा हुआ है। ठीक है चलो, अब यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए सही नहीं स्टेटमेंट लिखा गया है। पहला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस आर्टिकल में आता है, सही बात है। अगला, ये जो इलेक्शंस कराते हैं वो राष्ट्रपति के कराते हैं, लोकसभा के कराते हैं और पंचायतों के कराते हैं, गलत हो गया, यही गलत हो गया, आगे जाने ही नहीं, यहीं पे गलत हो गया। क्या लिखा है, पंचायत, पंचायत के जो चुनाव होते हैं या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव होते हैं वो तो स्टेट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन होता है इस आर्टिकल के अंदर वो कराते हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, और सवाल में क्या पूछा गया था, नॉट ट्रू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है इस आर्टिकल के अंदर, और इसके अंदर 3 सदस्य होते हैं, 3 में से जो 1 सदस्य होते हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है, कौन है ये, सुनील अरोड़ा जी। फाइन, ओके, आज तुम लोग को सारे आर्टिकल याद भी हो जाने चाहिए, मतलब ऐसा वाला ना हो कि आर्टिकल याद नहीं हो रहे। जब 3:30 बजे क्लास में आओ ना, वीडियो के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगी मेरी प्रोफाइल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना और सीधे क्लास में पहुंचोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पे लिंक मिल जाएगा। अगला सवाल, नेशनल इमरजेंसी, बताओ भैया ये तो ऐसे ही पूछने से, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर बोलो क्या होगा, 352। देखो समझो, यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, ये तब लगती है अगर हमारे देश को बाहर के किसी भी देश के साथ कोई खतरा है, या फिर मान लो इंटरनल लेवल पर हमारी जो आर्मी है, हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस है, अगर वो बगावत कर दें भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन के बारे में, प्रेसिडेंट रूल, बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये तभी लगाई जाएगी जब यहाँ पे राज्यपाल लगाने को बोलेंगे कि भैया राष्ट्रपति जी जरा सुन लीजिए, हमारे राज्य के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो सही से काम नहीं कर रही, आप क्या करो, आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो। ठीक है, तो ये कौन से में आ जाएगा, 356 में। अगला है आर्टिकल नंबर 360, ये क्या है, फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आज तक नहीं लगी है। ठीक, अगला सवाल, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बोला गया है कि जो वोटिंग राइट के लिए एज होती है, मतलब पहले क्या था, अगर कोई भी व्यक्ति वोटिंग करना चाहता है तो उसकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए थी, लेकिन बाद में राजीव गांधी जी के टाइम पे इसको चेंज कर दिया गया और कर दिया गया कि 18 ईयर्स होनी चाहिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो चेंजेस किए गए ये कौन से वाले आर्टिकल के अंदर चेंज किया गया, फटाक से आंसर करना। याद करना पड़ेगा, ये चाइना कौन आंसर कर रहा है भाई,
भैया जितने आर्टिकल पढ़ाए इतने ही याद करने, इसके बाहर से कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कहो तो कल स्टैम्प पेपर ले आना, लिखवा भी देंगे कि भैया इतने ही आर्टिकल पढ़ने, इसके बाहर कुछ नहीं आने जा रहा है। इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 368। ये बिल्कुल अमृत बाण है, ठीक है ना। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि अमृत बाण है। जरा समझना कहता क्या है इस आर्टिकल में। ये बोला गया है आपको, अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर संसद चाहे किसी भी चीज को बदलना, किसी भी चीज को, एनीथिंग एनीथिंग, तो संसद यहाँ पे उसको चेंज कर सकती है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रस्तावना के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, प्रीएम्बल किसी आर्टिकल में नहीं है। पता चला सोचो कि मैम प्रीएम्बल प्रीएम्बल तब से कर रही है, आर्टिकल नहीं बता रही है, प्रस्तावना किसी आर्टिकल में नहीं आता। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज है जो प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है, प्रीएम्बल के अंदर लिखी गई है, उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता किसी के भी द्वारा, चाहे वो संसदीय क्यों ना हो। तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। देखो जितने आर्टिकल थे मैंने आपको सारे ही यहाँ पे बता दिए, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे मैंने सारे आपके साथ कवर कर दिए। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर तुम लोगों को कहीं और जाके पढ़ने की जरूरत है। एक आर्टिकल ये और देख लो, क्योंकि आर्टिकल नंबर 370 के कुछ क्लॉजेस जो हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए हैं, वो चेंज किए गए। आंसर बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। सवाल में पूछा जा रहा है आर्टिकल नंबर 371A कौन से राज्य के लिए बना हुआ है, या तो ये बता दो या फिर यहाँ पे स्पेशल स्टेटस के लिए पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, बताओ। शुभम मेरा बर्थडे नहीं है भैया, मेरा बर्थडे अक्टूबर में होता है, क्या बात कर रहे हो। देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, ये स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है किसको, सिक्किम को, ना कि अरुणाचल प्रदेश को। तो देखो आपके सामने ये लिखा हुआ है 371A जो है ये महाराष्ट्र गुजरात को कुछ स्पेशल राइट्स देता है। यहाँ पे ए वाला नागालैंड के लिए, देखो याद रखना एनडीए और सीडीएस में यूजुअली ये पूछा जाता है, नागालैंड वाला और सिक्किम वाला। बाकी आपका जो स्टेट लेवल एग्जाम होता है उसमें ये पूछ लेते हैं, और यूपीएससी यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं पूछता कभी भी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। अब बताओ भैया हाउ वाज द सेशन। इतनी जन्नोजहद के बाद जितने आर्टिकल्स थे मैंने सारे के सारे आपके लिए एक क्लास में खत्म कर दिए। अब इसके अलावा अगर आप पॉलिटी का एक एक चैप्टर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, एक एक चैप्टर जीएस में हर एक सब्जेक्ट अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन कर लियो भैया, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे आपको भी पता है उतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं हर एक चीज को, हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर पाऊँ, है ना। तो देखो करना क्या है, अनअकैडमी के ऐप पे जाना, एसएससी एग्जाम की कैटेगरी में जाना, ये है पूरे साल भर का करंट अफेयर्स, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम करंट अफेयर्स बता रहे हो और कह रहे हो पॉलिटी पढ़ाएंगे, बेटा जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना, तो जो जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है उसके जितने भी क्लासेस होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इस क्लास को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। करना क्या है, कोड क्या यूज करोगे, कोड विल बी कृति10। हाँ बताओ भैया कोई समस्या, कोई समस्या। अरे ये मत पूछो कि कैसे याद करेंगे, ये भी हम ही बताएंगे, नोट्स बनाओ। और हाँ आज आप लोगों का 3:30 बजे का जो क्लास है, वीडियो के जस्ट नीचे 10 मिनट बाद चेक करिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जिसपे लिखा होगा फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, उस पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे आपको मेरा ये पेड बैच भी मिल जाएगा, और आज के जो स्पेशल क्लासेस हैं वो भी आपको उस पर मिल जाएंगे। ये स्पेशल क्लासेस आपको लाइव ही मिलेंगे, तो प्लीज सेशन में लाइव रहिएगा, ठीक है। चलो भाई बहुत पढ़ लिया, अब इसके बाद मुलाकात होगी 3:30 बजे आप लोगों से, और उसके बाद रात में तो मुलाकात होगी, बनी इशू में भी मिलेंगे, कितने बजे, 5:45 बजे, ठीक है। तो आई होप कि सेशन पसंद आया होगा भैया, अगर पसंद आया हो तो एक बार से लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी। तो मिलते हैं आप लोगों से कब।